नमस्कार दोस्तों, मैं वी चतुर्वेदी पाथफाइंडर एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आप सभी मित्रों का स्वागत करता हूं। मित्रों, आपसे निवेदन है, हमारे चैनल पर आप प्रथम बार हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा लें, जिससे शिक्षा जगत संबंधी जो भी महत्वपूर्ण अपडेट हो हमारे चैनल के माध्यम से यथाशीघ्र प्राप्त हो सके। जैसा कि आज के समाचार पत्रों में सबसे महत्वपूर्ण सूचनाओं में से पहली सूचना है, केंद्रीय विश्वविद्यालयों में छात्र ले सकेंगे एक से अधिक यानी दो कोर्सों पर प्रवेश। छात्र एक कोर्स नियमित कक्षाओं के जरिए और दूसरा डिस्टेंस लर्निंग के माध्यम से कर सकते हैं। केंद्रीय विश्वविद्यालयों में नए शैक्षणिक सत्र में छात्र अब एक साथ दो पाठ्यक्रमों का अध्ययन कर सकते हैं। सरकारी तौर पर इस योजना को मंजूरी मिल चुकी है, वहीं केंद्रीय विद्यालयों में इसे लागू कर दिया गया है। अभी स्टेट यूनिवर्सिटीज़ में ये बातें नहीं। इस हफ्ते पीछे 2023 का विज्ञापन जारी होने की उम्मीद है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ओर से PCS 2023 का विज्ञापन इसी हफ्ते जारी किए जाने की तैयारी है। अभ्यर्थियों को विज्ञापन का बेसब्री से इंतजार है, क्योंकि इस बार मुख्य परीक्षा के पाठ्यक्रम में बदलाव संभावित है। हालांकि जब तक विज्ञापन आता नहीं तब तक यह स्पष्ट नहीं किया जा सकता। वहीं 6 खेल प्रशिक्षकों के पदों पर भी निकली है भर्ती। खेल निदेशालय उत्तर प्रदेश की ओर से 16 खेलों हॉकी, तैराकी, वॉलीबॉल, जिम्नास्टिक, एथलीट, क्रिकेट, फुटबॉल, बैडमिंटन, टेबल टेनिस, बास्केटबॉल, कबड्डी आदि 44 आवासीय छात्रावास में प्रशिक्षकों की नियुक्ति किया जाना है। इसके लिए 50 अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों को 1.5 लाख रुपये प्रतिमाह के वेतन पर प्रशिक्षक के पद पर नियुक्त की जाएगी। प्रशिक्षकों की नियुक्ति के लिए आवेदन पत्र मांगे गए हैं, जिसे मदन मोहन मालवीय स्टेडियम में स्थित क्षेत्रीय कार्यालय में जमा करना है। तो यह अच्छी खबर है, खेल को प्रोत्साहन मिल रहा है। वहीं APS की भर्ती को लेकर के भी आज के समाचार पत्रों में सूचना है। अपर निजी सचिव की नई भर्ती को लेकर के विज्ञापन शीघ्र जारी हो, इसके लिए सोमवार को उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में ज्ञापन सौंपा गया। और कोविड को लेकर के भी एक बात आ रही है, कोविड प्रभावित जो छात्र हैं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की आगामी भर्ती परीक्षाओं में शामिल होने के लिए दो अतिरिक्त अवसर प्रदान किए जाएँ, इस प्रकार की मांग कर रहे हैं। इस मांग को लेकर के छात्रों ने सोमवार को आयोग में प्रदर्शन किया और ज्ञापन सौंपा। उनका कहना है कि वर्ष 2020 और 2021 में कई अभ्यर्थियों की अधिकतम आयु सीमा पूरी हो गई है, कोविड के कारण वो जो है सहभागिता नहीं कर पा रहे। वहीं अगली जो महत्वपूर्ण अपडेट है, स्वशासित राज्य चिकित्सा महाविद्यालयों में स्टाफ नर्स के रिक्त पदों की भर्ती आई हुई है। गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान लखनऊ चिकित्सा शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा आप देखेंगे कि यह वैकेंसी निकाली गई है। श्रेणीवार जो पदों की संख्या है 415, 39, 533, 177, 190 और 1974, ये कुल टोटल पद हैं 1974। इतने पदों पर वैकेंसी आई हुई है, तो जो इच्छुक अभ्यर्थी हों और योग्यता रखते हों वह इसमें आवेदन कर सकते हैं। TG TGU विज्ञान को लेकर के आज के समाचार पत्रों में महत्वपूर्ण सूचनाएँ दी गई हैं। और महत्वपूर्ण यही है कि 2011 की वैकेंसी अभी तक कंप्लीट नहीं हो पाई और 2022 की भर्ती है पद भरवाने को लेकर के उस पर भी कोर्ट केस हो गया है, जैसा कि आप सभी जानते हैं। सहायता प्राथमिक माध्यमिक विद्यालयों में प्रशिक्षित स्नातक 2022 में भर्ती में जीव विज्ञान विषय के पद केवल 49 हैं और वहीं विज्ञान के जो है 499 पद हैं, जिसको लेकर के छात्रों में रोष है। और छात्र लगातार यह बात कह रहे हैं कि विज्ञान विषय में ही बायोलॉजी को शामिल किया जाता है, तो बायोलॉजी को विज्ञान विषय में शामिल करके सारी सीटों पर अभ्यर्थियों को मौका दिया जाए, अन्यथा जो है सीटों की संख्या बढ़ाई जाए। दोनों में से कोई भी काम अभी तक नहीं किया गया है, जिसको लेकर के कोर्ट केस हुआ है। छात्रों की ये जो मांगे हैं वो जायज़ हैं, कहीं ना कहीं सरकार को इस पर विशेष ध्यान दे करके इसका निवारण करना चाहिए और जो बायोलॉजी के छात्र हैं एकजुट होकर के इस मामले को लेकर के संघर्ष भी करें, यही यथोचित है। हाई स्कूल गणित का पेपर आज है, नकल रोकने के लिए किलेबंदी व्यवस्थित की गई है। देखते हैं शाम तक क्या सूचना आपको प्राप्त होती है अलग अलग सेंटरों से। इन्हीं सारी महत्वपूर्ण अपडेट के साथ सूचना सुनने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबाएं, जिससे शिक्षा जगत संबंधी जो भी महत्वपूर्ण अपडेट हो हमारे चैनल के माध्यम से यथाशीघ्र प्राप्त करें। चैनल को विजिट करने के लिए, सूचना सुनने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।